एसएसपी विपिन तारडा ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन के क्वार्टर गार्ड में ध्वजारोहण किया। इस दौरान एसएसपी ने जनपद के सभी अधिकारियों को देश की एकता व अखंडता की शपथ दिलाया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस के अधिकारियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसएसपी ने बताया कि जनपद के 53 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। सभी पुलिस कर्मियों ने शपथ लिया है कि वे अच्छा कार्य करेंगे तथा हिंसा से दूर रहेंगे। इसके अलावा जनता से अच्छा समन्वय स्थापित करेंगे। इस अवसर पर एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम, आरआई उमेश कुमार सहित अन्य अधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने कहा, मैं पुनीत संकल्प लेता हूं कि राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं अखंडता सुरक्षित रखने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। यह भी पुष्टि करता हूं कि हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों या अन्य राजनीतिक अथवा समाधान शांति तथा संवैधानिक तरीके से करूंगा। आप सभी को आज वैसे तो बचपन से ही आप ये दिवस मनाते आए हैं अपने स्कूल में अपने कॉलेजेस में, परंतु जब आपने वर्दी धारण की इसके बाद स्वतंत्रता दिवस का विशेष महत्व आपके लिए हो जाता है, क्योंकि आप आमजन के रक्षक हैं। स्वतंत्रता किसी भी मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, गुलाम है, तो वो अपना विकास वो अपना कार्य पूरी दक्षता और पूरी क्षमता के साथ नहीं कर सकता। गुलामी तीन प्रकार की होती है, तन की गुलामी, मन की गुलामी और धन की गुलामी।
कल की गुलामी, जैसे आपको किसी ने कैद कर दिया, आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। मन की गुलामी, जैसे किसी ने आपके मन पे वश कर लिया, आपके जो मन में इच्छाएं हैं, जो कार्य आप करना चाहते हैं वो आप मनोयोग से नहीं कर पाते। जैसे कोई जेल में है तो तन से गुलाम है, परंतु उसका मन आजाद है, वो मन से सोच सकता है, वो मन से अपना भविष्य तय कर सकता है, वो ये सोच सकता है कि वो कल क्या करेगा, जब जेल से छूटेगा तब क्या करेगा। लेकिन जो मन से गुलाम हो जाता है वो सोच भी नहीं सकता। और तीसरी गुलामी होती है दल की गुलामी। आप दल से आजाद है, मन से आजाद है, पर दल से आप गुलाम हो गए। ये तीनों से स्वतंत्रता दिलाने में पुलिस का अत्यंत महत्वपूर्ण अहम किरदार है। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा है कि सबसे बड़ा दान, जब महाभारत में युधिष्ठिर से पूछा गया, हे युधिष्ठिर ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है, उसने कहा महाराज सबसे बड़ा दान अभय दान है। अभय दान मतलब इसी से न डरने का जो वरदान, वो दान। आज के युग में अभय दान देने की क्षमता आप में है, पुलिस में है, आपकी वर्दी में है, किसी भी जनता के व्यक्ति को आप अभय दान दे सकते हैं। उसके अंदर जो डर है, उसकी जो तन की गुलामी है, उसे किसी ने बंधक बना रखा है, आप उसे आजाद करवा सकते हैं। उसकी जो मन की गुलामी है, किसी ने उसके गांव में, किसी ने उसके मोहल्ले में भय व्याप्त कर रखा है, डरा रखा है कि आपको ये काम नहीं करना है, तो आप उससे उनको मन की गुलामी से भी आजादी दिलवा सकते हैं। उस गुंडे सामाजिक तत्व असामाजिक तत्व पर कार्यवाही करते हैं। और जब तन आजाद हो और मन आजाद हो तो फिर अपनी पूर्ण क्षमता से आदमी काम कर सकता है। तो इसीलिए आप अपने आप को कम ना आके, आपके पास सबसे बड़ा दान देने की क्षमता है अभय दान। अभय दान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधा मन को प्रभावित करता है। आप उसके हाथ में कुछ नहीं देंगे व्यक्ति के, परंतु उसके मन में, उसके दिल में आप उमंग और आजादी की प्रेरणा से भर देंगे उसे। वो चाहेगा तो कर सकता है। अगर पुलिस समाज में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करे, शांति व्यवस्था स्थापित करे, तभी व्यक्ति पूर्ण रूपे स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर पाएगा। महिलाएं अपने घरों से निकल पाएंगी, बच्चे अपने स्कूल कॉलेज जा पाएंगे, व्यक्ति अपना रोजगार कर पाएगा। इसीलिए आपकी भूमिका आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। न सिर्फ आपको असामाजिक तत्वों से लड़ना है, बल्कि जनता में विश्वास जागृत करना है कि वो आजाद होकर कोई भी कार्य कर सकते हैं कानून के दायरे में रहकर। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में हम अपने रोल को और बेहतर तरीके से समझकर जनता को और बेहतर पुलिसिंग की सेवाएं देंगे। जय हिंद, जय भारत। पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जिन्हें उत्कृष्ट सेवा है उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया गया है रूपेंद्र नाथ सिंह। इसी क्रम में जिन्हें गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मदद प्रदान किया गया है मुख्य आरक्षी श्री अमित कुमार जी,
पांच पहाड़ी देवता लाल पुस्तक दे दिया है। परेड विसर्जन की अनुमति चाहता हूं। अनुमति नहीं खड़ा रहेगा बाकी विसर्जन। जी आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन गोरखपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर कि झंडा फहराने की कार्यवाही हुई और साथ ही जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने वर्ष पर अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित किया गया। लगभग 53 पुलिसकर्मी हैं जिनको आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी पुलिसजनों ने शपथ ली कि वो अच्छा कार्य करेंगे, स्वतंत्रता से कार्य करेंगे और हिंसा से दूर रहकर सर्वसम्मति व वार्ता के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।